आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये हैं आपके अम्मी और अब्बा और ये हैं आप। हाँ, ये आप हैं, ये हैं अम्मी अब्बा और ये हैं आप। सपोज आप तीन हो, अम्मी अब्बा ने आपका ख्याल रखें। हाँ, तो मुझे ये बताओ, आपके अम्मी और अब्बा यानी कि आपके पेरेंट्स के साथ आपको कैसे होना चाहिए? हम आज ये देखेंगे, गुड बिहेवियर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8, वो वसैनल इंसाना बिवालिदैही हुस्ना। अल्लाह ने इंसान को ये वसीयत की, ये हुक्म दिया, बिवालिदैही हुस्ना, कि अपने वालिदैन के साथ, अपने अम्मी और अब्बा के साथ, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करें? गुड बिहेवियर करें। हाँ, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करें? गुड बिहेवियर। अच्छा, क्यों क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स है। और बताओ, संभालते हैं। और बताओ, और हम लोग को खिलाते हैं खाना पानी। अच्छा, आप जब छोटे बेबी थे, हाँ, तो खुद से आ गए? नहीं, आप अल्लाह ताला, हाँ, उन्होंने संभाला। हाँ, बच्चा स्मॉल बेबी होता है ना, सो स्मॉल बेबी को देखा है आप लोगों ने? स्मॉल बेबी जब होता है तो वो खुद से जाता है, हाँ मैं उठ रहा हूँ, खाना दो मुझे, खाना खा रहा है, खुद से खाना खा रहा है, खुद से कपड़े पहन रहा है, खुद से टॉयलेट जा रहा है, ऐसा होता है? कैसा होता है? मम्मी को करना पड़ता है सब चीज, उसकी मम्मी करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। हाँ, ये सुनो, हम लोगों की सब चीजें अम्मी अब्बा करते हैं ना, पेरेंट्स करते हैं। हाँ, उनके बहुत एहसान होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए? गुड बिहेवियर होना चाहिए। तो आप लोग अभी ये बताओ, गुड क्या है, बैड क्या है, दोनों? हाँ, गुड बिहेवियर पेरेंट्स के साथ कैसा होगा? अब आप लोग बताओ, चलो कैसे बात करना चाहिए अम्मी अब्बा से? अच्छे से का मतलब क्या है? कैसे बात करेंगे बताओ? यस, सुनना, उनकी बात सुनना, वेरी गुड, माशाल्लाह, उनकी बात सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। और बताइए, हाँ उनको, हाँ उनको, हाँ बहुत ख्याल रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गलत काम करेंगे तो हम लोग सही के लिए मारते हैं। अच्छा, माँ बाप जो करेक्ट भी करते हैं तो सही के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं चाहते हैं, वो अच्छा चाहते हैं बच्चों का। अम्मी अब्बा लव करते हैं बच्चों को। हाँ, अम्मी अब्बा अच्छा चाहते हैं बच्चों का। और एक लड़के ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि सबसे पहले कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे तुम्हारी माँ, फिर बोले थे कि कौन है, फिर उसने बोला था कि तुम्हारी माँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फरमाया था। हाँ, फिर उसने पूछा था कि कौन है, फिर तुम्हारी माँ, तो फिर उसने पूछा था कि अब कौन है, तो अब। वेरी गुड, माशाल्लाह, सही बुखारी की हदीस है कि कौन है जिसका कंपेनियनशिप पर, साथ पर सबसे ज्यादा हक है, तो कहा पहले सवाल में तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तीन बार जैसे आपने बताया, और लास्ट में अब्बा कहा। तो हम देखते हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा हक होता है, उनके साथ बात करेंगे तो कैसे रिफर करेंगे, उनसे इज्जत वाले वर्ड यूज करेंगे, रिस्पेक्ट वाले वर्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। हम लोगों को रिस्पेक्ट वाले वर्ड माँ बाप के लिए यूज करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बैड, गलत वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, गलत वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। माँ बाप के साथ कोई बैड बिहेवियर करे ना, तो ये बहुत बैड सिन है, इसकी पनिशमेंट दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो इसी वजह से अम्मी अब्बा के साथ बैड बिहेवियर कभी नहीं करना चाहिए। और क्या? यस, मान लो आप कहीं पे बैठे हो, आपके अम्मी अब्बा खड़े हैं, आप बैठे हो, अम्मी अब्बा खड़े हैं, तो क्या करोगे? उनको बिठाएंगे। आप बैठो और आप खड़े होंगे, उनको खड़े होने की जगह दो। अम्मी बोलते हैं ये लेकर आओ, तो लाओगे? हाँ, वो बोलते हैं ले आओ, ले आओ। हाँ, एक आवाज, वेरी गुड। कितने सारे बच्चे होते हैं वो एक आवाज में सुनते ही नहीं है, बोलो 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 सुनते ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक आवाज में सुनना चाहिए। क्यों करना चाहिए मालूम है? हाँ, थक जाते हैं। यस, अम्मी अब्बा बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन बच्चों क्यों सुनते नहीं है? तो ये सही है, गलत है? गलत है। और क्या करना चाहिए बताओ? चलो अच्छी बातें बताओ, और बताओ अम्मी अब्बा के साथ क्या करना चाहिए? और मम्मी ने और मम्मी की हेल्प करना चाहिए, तभी हेल्प करना चाहिए। क्या बात बताए, हेल्प कर रहे हैं, कैसे हेल्प करेंगे अम्मी की? यस, खाना खा के उठ जाते हैं, किंग बनते हैं, बिल्कुल सही, बर्तन उठाना, खाना खाए, दस्तरखान है, यस, खाना खिलाना। हाँ, और हाथ से खिलाएंगे, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, और बताओ, हाँ और बताओ, और क्या करेंगे? और अगर अम्मी
अच्छा अच्छा कुछ थोड़ा काम खुद से भी करो। नहीं कुछ बच्चे होते हैं ना सब काम में अम्मी अब्बा ऑलवेज, कुछ खुद से भी तो करो तुम लोग जो खुद से कर सकते हो। हाँ खुद से जितना कर सकते हो उतना करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ डिस्टर्ब भी नहीं करो उनको। हाँ हर बार बात बात में बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं ऐसा भी नहीं हो। चलिए ये कुछ बातें थी। आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।